हमारे लाहौस ट्रिप का पहला टोल टैक्स आया है ओ भाई साहब 100 किलोमीटर चलाने के वन लैख थर्टी नाइन थाउजेंड का टोल टैक्स कितना महंगा है, तो। भाई के ही है सारे के सारे अपने चलो खड़े मिला भाई भाई <laughs> भाई साहब पुलिस ने रोक लिया पुलिस लाहौस की पुलिस भाई यहाँ तो पुलिस ने रोक है, चलान कर रहे हैं ये वो भी भाई दो लाख का मैंने तो खूब समझाने की कोशिश करी बट भाई चलान भरना ही पड़ रहा है अब दो लाख का बताओ लाहौस में वो भी हेलो जी हेलो गुड मॉर्निंग सभी को एक और नया दिन हमारा इस ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप का और आज हम जा रहे हैं भैया वैंग से इनकी लाउस की जो कैपिटल सिटी है वियनटेन करके बहुत छोटा सा सफर है भाई मजा आएगा रुकते रुकाते जाएंगे ड्रोन उड़ाएंगे मजे से क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं लगना ये देखो भाई टोटल 129 किलोमीटर का रास्ता है और केवल एक घंटा पचास मिनट यानी कि मेरे हिसाब से हाईवे हाईवे हाई होगा जब ये साठ पैसठ की स्पीड दिखा रहा है एवरेज वरना लाहौस में तो भाई तीस पैंतीस से ऊपर की एवरेज स्पीड गूगल मैप दिखाई नहीं रहा था तो मजा आएगा आज बगे एक और नया दिन एक और नई जर्नी आज अठारह फरवरी दो मैं हूँ अभी लाहौस के खूबसूरत शहर वैंग वियांग में एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड इस ट्रिप पे हम निकले भाई इंडिया और 25,000 किलोमीटर गाड़ी को के के तो जैसे आपने लंडन ट्रिप में सपोर्ट दिखाया वैसे इसमें भी भैया लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर दिया चलो जी चलो निकला जाए पहले तो भाई रस्ते में पियेंगे एक मैंगो शेक उसके बाद फिर आगे अपना सफर शुरू करेंगे क्या कर रहे हो शाय से शायद नहीं कन्फर्म यूँ मैं हमारे लाहौस ट्रिप का पहला टोल टैक्स आया है तो अब ये ई लिखा हुआ है ना मेरे हिसाब से हमें ई में जाना चाहिए क्योंकि चाइना में भी हर बार हम ई से भी जाते थे तो यहाँ पे हम शायद कैश में पे कर सकते हैं लेट्स सी भाई कैसा रहता एक्सपीरियंस और कितना महंगा है क्योंकि तो अभी तक हाईवे आए नहीं थे मैंने आपको बताया ना आज हाईवे आएंगे प्रॉपर लग रहा है अरे यार कोई बैठा ही नहीं हुआ ये क्या भाई सायरन बजने लग गया भाई यहाँ तो एकदम से पी 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 कर गया कोई है ही नहीं अंदर उधर भी नहीं बैठा भाई कोई, कोई नहीं। है ही नहीं भाई कोई सारा लग रहा है ऑटोमेटिक सिस्टम है यहाँ पे तो नहीं देखते हैं रुको उधर लगा के देखता हूँ क्या सीन है ये दैट दैट साइड साइड ओके 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 इंडियन तो यहाँ नहीं भाई वो कह रहे उधर जाओ ये देखो फिर बच गया साइरन तो जी यहाँ बोला है इन्होंने और ये मशीन लग रही है यहाँ पे तो इधर से ही पर्ची निकलेगी शायद से वही है भाई उल्टा है ना यहाँ पे तो आपके पैसेंजर सीट में कोई ना कोई होना चाहिए वही मशीन को एक्सेस कर पाएगा वरना आपको उतर के फिर मशीन यूज़ करने जाना पड़ेगा तो ये देखो भाई इस तरह की मशीन है लेट्स गो पैसे नहीं देने अभी शायद सिर्फ पर्ची निकालनी होगी देखना बटन दबा दो हाँ निकल निकलेगा ना भाई सेम चाइना वाला सीन है यहाँ तो खाटा खोल दिया इन्होंने ये देखो और ये भाई इस तरह का ब्लू कलर का कार्ड मिला है हमें अब मेनली होता क्या है ना कि हमें गाड़ी चलानी है हाईवे पे और जैसे ही हम हाईवे से एग्जिट लेंगे ना जिस भी सिटी में लेंगे वहां पर ये टोल का कार्ड देना है उनको और फिर वो पैसे बता देंगे कि इतने पैसे आपके बन गए हैं तो ये किलोमीटर वाइज डिसाइड होता है कि मान लो अगर हम हाईवे पे चढ़े और 30 किलोमीटर बाद ही उतर गए तो सिर्फ 30 किलोमीटर के ही पैसे देने पड़ेंगे और अब जैसे हम जा रहे हैं अभी एन टेन तो एक किलोमीटर है तो वहां पे हमें उतरेंगे तो एक किलोमीटर के देने पड़ेंगे बट फाइनली भाई चलो लाओ उसमें हाईवे के तो दर्शन हुए अभी तक पहाड़ी पहाड़ वाले रास्ते थे वरना आ जाएगा ना ड्राइव करने का तो स्वाद असली उस हिसाब से तो यार आज कुछ कॉन्टेंट बनी नहीं पाएगा खास है ना क्योंकि हाईवे हाईवे हुआ अगर बाकी स्पीड लिमिट देख लो गाड़ियों के लिए हंड्रेड की है तो बढ़िया चलो भाई वरना आज तक तो तीस चालीस पचास मैक्स टू पे गई थी बट अब जो है वो सौ पे ले जाएंगे तो जो रीजन वाला सीन है अपनी गाड़ी में दिक्कत हो रही थी वो भी सोल्व हो जाएगा मतलब सोल्व तो हो ही चुका है लेकिन थोड़े बहुत भी जो पार्टिकल फंसे होंगे ना वो साठ सत्तर से ऊपर चलाते ही वापिस से बर्न डाउन हो जाएंगे मजेदार लेट्स गो और लार्ज व्हीकल कीप राइट राइट right रखना है लार्ज व्हीकल्स को और हमें रखना है लेफ्ट क्योंकि भाई रूल्स आपको मैंने बताया ना इंडिया से उल्टे हैं यहाँ पे तो काइंड kind ऑफ of, जैसे हम इंडिया में चलाते हैं भाई उस रोड पे अगर इधर जाना है और इधर जाना है तो इस रोड पे बट यहाँ पे देख लो आप मैं उल्टा चला रहा हूँ एंड इंडिया में ओवरटेक करते हैं हम भाई राइट right साइड से किसी भी गाड़ी के है ना बट यहाँ पे चाइना में भी लाहौस में भी और आगे भी काफी सारे देश है जिनमें हमें लेफ्ट से ओवरटेक करना है तो मेरा तो दिमाग भाई ट्रेन हो चुका है मैंने यूके में चला ली यूके कह रहा हूँ यूरोप में चला ली गाड़ी ईरान में टर्की में चला ली तो कोई दिक्कत नहीं होती है मेरे को तो आराम से ओवरटेक भी हो जाता है और दिमाग भी ट्रेंड है और सामने देखो भाई बड़े बड़े ऐसे पहाड़ से और क्या मस्त हाईवे बना रखे ओ हो हो मजा आ गया भाई आज तो सही में इतने दिन बाद हाईवे देख के ना ऐसे स्वाद से आ रहे हैं क्योंकि चाइना में तो हमने खूब दौड़ाई थी भाई गाड़ी हाईवे पे बट लाहौस में वो मौका नहीं मिल पाया आज फाइनली मिला एंड देखो भाई एक घंटा पचास मिनट से कट के रास्ता सीधा हो गया वन आवर थर्टी थ्री मिनट क्योंकि हाईवे पे चढ़ ना और ये भी ज्यादा ही है अगर पूरा हाईवे हुआ ना वी एन तक तो भाई ये एक सौ बीस किलोमीटर में मैक्स टू मैक्स एक घंटे में कर सकता हूँ एक घंटा या एक घंटे से थोड़ा ज्यादा लगा लो आप एक घंटा पांच दस मिनट और बट इसने भी हिसाब से देखा जाए तो भाई वही अस्सी नब्बे की एवरेज स्पीड दिखाई रखी है बहुत बढ़िया भाई मजेदार लेट्स गो अच्छा सबसे अच्छी बात भाई सारे के सारे बोर्ड ना इनकी लाउस की लैंग्वेज में भी इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं तो पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं आएगी कि आप रोड पे चला रहे हो पता नहीं चलेगा कहां जाना है क्या करना है ये देखो भाई ओहो हो सामने नजारा भाई क्रेजी लेवल ग्रेजी। भाई पहली टनल आ रही है लाओस की और इसका नाम है लाओ चाइना फ्रेंडशिप टनल ये क्या बात हुई भाई हम तो चाइना से दूर जा रहे हैं काफी पर ये लाहौल चाइना टनल क्या मेरे ख्याल अच्छा कैपिटल सिटी से कनेक्ट कर रही है ना ये यहाँ पे तो इसलिए पर ज्यादा बड़ी टनल नहीं है आठ सौ नो सौ मीटर की है भाई ये देखो अंधेरा कर रखा भाई इन्होंने तो पूरा ये क्या लाइटे क्यों नहीं चला रखी भाई है ही नहीं यहाँ तो <laughs> चाइना के पैसे खत्म हो गए थे यहाँ तक आते आते लाइट के लिए होगी तो सही यार लाइट इन्होंने तो दिन में चला नहीं रखी पता नहीं क्या सीन है लग रही है आ, लगी हुई है भाई चला नहीं रखी है तो लाइट चली गई होगी <laughs> बताओ और ये देखो भाई 800 मीटर की टनल और नाम मतलब चाइना ने मेरे को लग रहा है भाई बहुत पैसा कर रखा है इन्वेस्ट लाउस में रेलवे बना रखी है चाइना ने अपनी बुलेट ट्रेन दे देके ठीक है ये अब टनल देख लो लाओ चाइना अब ये पता नहीं बनाई लाओस ने है या चाइना ने है जिसने ही बनाई हो बट ठीक है ये अच्छे मेंटेन कर रखे हाईवे मतलब कोई बंदा अगर कैपिटल सिटी जा रहा है ना तो हाँ उसे लगेगा कि भैया कैपिटल सिटी जा रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है देखो दोनों तरफ मस्त पेड़ पौधे उगा रखे टू लेन हमारी तरफ है टू लेन उस तरफ है यानी फोर लेन हाईवे हो गए ये एक्सप्रेस हाई वे हाईवे ये तो नहीं पता हाईवे ही हो होगा वैसे तो मेरे हिसाब से अब पैसा कितना लगेगा वो देखेंगे चाइना में टोल टैक्स जो था ना वो था भाई इंडिया के छह रुपए एक किलोमीटर के तो जितने भी किलोमीटर आप करोगे छह से मल्टीप्लाई कर लो उतने का टोल टैक्स भरना पड़ता था जैसे यहाँ पे अगर हम आज एक किलोमीटर चल रहे हैं तो मोटा मोटा सात रुपए के आसपास का टोल टैक्स होना चाहिए अगर चाइना वाला रेट देखें, लाहौस का क्या रेट है आई डोंट नो भाई चाइना की तरह यहाँ पे भी ये चीज़ अच्छी है भाई जो बीच में डिवाइडर है ना उसमें पेड़ पौधे उगा रखे हैं गहरे वाले मतलब ऐसे नहीं कि दो चार पत्ते हैं प्रॉपर पत्ते हैं भाई मोटे मोटे जिससे कि दूसरी तरफ की जो हेडलाइट्स का थ्रो है ना वो इस तरफ वाली गाड़ियों को दिक्कत ना दे तो अच्छी चीज़ है भाई ऐसी इंडिया में अडेप्ट करनी चाहिए ये चीजें कुछ कुछ पार्ट्स में है बट हर जगह हो जाए ना तो मज़ा आ जाएगा भाई फिर रात को ड्राइविंग में टेंशन ही नहीं और दूसरी चीज़ आप राइट में भी देखोगे ना तो भाई बैरिकेडिंग इन्होंने प्रॉपर लगा रखी है ताकि खेतों में से कोई जानवर निकल के ना आए अब यहाँ तो नहीं है देखो पर वहां थी और त, अच्छी चीज़ है भाई ये सेफ्टी प्रिकॉशन लेना ना सेवेंटी टू किलोमीटर बचा भाई डिस्टेंस कैसे ख़त्म हो रहा है पता ही नहीं चल रहा क्योंकि स्पीड लिमिट भी अच्छी है और हमारा तो यहाँ चलान हो नहीं सकता क्योंकि नंबर प्लेट इंडिया की है हालांकि कैमरे लगे पड़े हैं चप्पे चप्पे पे पर फिर भी हम 120, 30 पे चला ही रहे हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है बहुत जल्दी हो जाएगा डिस्टेंस कवर आपको लाहौस का रेस्ट एरिया भी दिखाता हूँ इतने देशों के रेस्ट एरिया दिखाए हैं हम भी देख लेके ऐसा लगता है और आपको भी दिखा दे जरा भाई यही रेस्ट एरिया था क्या ये तो कुछ नहीं बना रखा था साइड में रोड है बस अच्छा ये ओपन वाले रेस्ट एरिया है अपना खड़ा कर लो गाड़ी थोड़ी देर के लिए हाथ पैर फैला लो फ्यूल स्टेशन वाला रेस्ट एरिया नहीं है ये देखते कोई आएगा तो वैसे आए थे पीछे दो पर हमें रोकी नहीं उस टाइम पे अब तो बचा ही कितना भाई थर्टी किलोमीटर बचा हुआ देखो तो कोई आएगा तो रोक लेंगे वरना सीधा फिर चलते हैं लो जी लो टोल भी आ गया है सिटी भी शुरू होने वाली है ये तो काफ़ी बड़ा टोल है भाई देखना कितनी सारी रोड है किस वाले में जाए इधर राइट में हमारे एडवर्ड भाई साहब ने बताया था ऑलवेज टेक राइट <laughs> टोल पे एडवर्ड कौन है वो चाइना वाली वीडियो जिन्होंने देखी उनको पता होगा अच्छे से हमारे गाइड थे मेन नेट चाइना के लाओ जी लाओ दो बस चाइना में एक फ़र्क था हमें अपनी नंबर प्लेट दिखानी पड़ती थी चाइनीज़ वाली यहाँ पे कोई सीन नहीं है भाई अपना इंडियन नंबर प्लेट ही स्कैन हो जाती है खुद ही और फिर पैसा काट लेते हैं हमारा उस मामले में भाई लाओस थोड़ा सा ना कम स्ट्रिक्ट है चाइना के कंपैरिजन में चाइना में थोड़े ज्यादा ही रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थे इस चीज को लेके हाँ जी आन जी दे दो लाइट पे नाइट में तो बोल ली, बोल ली, बोल ली। लो जी लो आ गए है यहाँ पे भी भाई फीमेल ही ज्यादा लोग बैठे होते हैं मतलब हर जगह पे पैसा देखते हैं कितना है भाई अराउंड सौ किलोमीटर चलाइए मोटा मोटा टोल से इंडिया येस yes, इंडिया रहे थे भाई वेर आर यू फ्राम दिखाओ दिखाओ पैसा दिखाओ कितना आएगा भाई लाखों में बातचीत होती है हाँ तो तो फाइनली देख सकते हो आप भाई हमारा लाउस में स्कोरपियो के साथ पहला टोल टैक्स है ये और कितना अच्छा स्कैन नहीं हो पा रही भाई इनसे बिना नंबर प्लेट तो ये अब आ, याद कर रही है नंबर प्लेट नंबर को और वहाँ जाके फिर टाइप करेंगी <laughs> पूछ लेते हैं, हम बता देते पर वो इंग्लिश की प्रॉब्लम होगी ना वहाँ थोड़ी सी शायद खुद ही पढ़ के अब खुद ही जो है वो लिख लेंगे कितना महंगा है यहाँ तो <laughs> जोक्स जोक्स मारा मैंने जोक्स वन लाख थर्टी नाइन थाउजेंड हो गए यहाँ के कितने पकड़ो पकड़ो छे सौ रुपए तो हो गए ना छे सौ के आसपास ही हो गए भाई वही सेम ही है फिर तो चाइना वाला रेट एक बार फिर भी मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको अच्छे से टोटल लिया वन लाख थर्टी टू थर्टी टू से डिवाइड करा तो इंडिया के छह सौ रुपए बने और सो किलोमीटर चलाई है ना तो छे सौ डिवाइडेड बाय सीधा सो कर दो भाई छे रुपए पर किलोमीटर सेम भी यही था पॉइंट फाइव यून यानी कि इंडिया के छह रुपए एक किलोमीटर के यहाँ भी छे काफी सिमिलैरिटी है भाई फिर तो चाइना और इसमें लाउस में एंड हमारे के लिए इन्होंने ऐसी भी दिया भाई जिसमें लिखा हुआ है कि कितना यूएस डॉलर में भी लिखा हुआ सिक्स पॉइंट सिक्स डी और ये यहाँ की करेंसी है लाख एल ए के यानी लाउसियन की रख लो भाई चाइना की भी सारी पर्चियां रख रखी है और लंडन ट्रिप में भी जितने भी देश में टोल टैक्स हमने कटवाए थे सबकी पर्चियाँ मेरे पास घर पे पड़ी हुई है तो एज अर रखता हूं मैं तो भाई साहब पुल्स ने रोक लिया पोल्स लाउस की पुल्स एक ही दिन में सारा कंटेंट मिल जाएगा क्या आज टोल टैक्स भी आज ही हो गया है, पोल्स भी आज ही मिल गई भाई चलो देखते हैं क्या-क्या टेंशन साहब जी पासपोर्ट <laughs> निकालो हेलो स्वीटी हेलो टूरिस्ट इंडियन ऐसे एक जवान पेपर फॉर कार पेपर फॉर कार लाओ भाई पेपर ओके ओके आई गो इन वीएन10 देन टू कंबोडिया थाईलैंड मलेशियावा मलेशिया सिंगापुर लाइसेंस कार डॉक्यूमेंट दिस इज डी फिफ्टी थ्री दिस इज इंडियन कार इंडियन इंडियन कार इंडियन कार यस दिस इज एक्सपायर नो एक्सपायर डेट लेट मी लेट मी शो यू टू थाउजेंड थर्टी फाइव ओके गए अब तो इंश्योरेंस तो खत्म पड़ा है यस वी विल एग्जिट टूमोरो We will exit tomorrow to Thailand. Uh, today, police. Keep your driving license, no? Hmm? I I been I have been for you uh, about uh, Israel, insurance, uh, insurance. Insurance We will take new insurance in VN10. Today you uh, check in. VN10 insurance new insurance. Today police uh, keep your license. No? Why? Right bin for you. Uh, tomorrow you go to office police uh, play you play. You but play. why they? Take the license. Huh? You just take the photo. Tomorrow, you go to office police. No, check be No, but we need license. We can't give you our license. I for you. But no, we can't give you our license. Tomorrow, you pay. I know. Tomorrow we will pay, but we can't give you our license. We will take the new insurance from city. Hmm. You pay now. Okay, office. How much? How much we pay? You give insurance. Huh? Insurance.

चलान भरना ही पड़ रहा है अब दो लाख का बताओ लाउस में वो भी चलो जी चलो पे कर दिया है निकले पहले यहाँ से फिर स्टोरी बताता हूँ आपको पूरी क्या सीन हुआ है पे चलो भाई हाई भाई हाईलेक्स वाले भैया दो दो एक्चुअल में सीन क्या था था जो हमारा D53 स्टिकर ना वो तो हमने एक्सटेंड करवा लिया था क्योंकि मैं इंडिया गया था तो एक महीने से ज्यादा हो गए हमें गाड़ी राउस में रखे हुए हमने अपना वीजा भी एक्सटेंड करवा लिया बट इंश्योरेंस नहीं एक्सटेंड हो पाया था क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी मिली नहीं थी हमें वहां पे कोई भी तो मैंने सोचा बी में जाके इंश्योरेंस करवा लेंगे रिन्यू तो बट वी एन टेन पहुँचने से पहले ही पुलिस वाले भाई साहब ने धर लिया तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स तो परफेक्ट थे अपने पास इंश्योरेंस एक्सपायर था चार दिन हो चुके आज अठारह तारीख है क्योंकि और चौदह को एक्सपायर हो गया था तो वही ये कह रहे थे दो ऑप्शन है या तो पुलिस स्टेशन जाके चलान भर दो वहाँ पे क्या है कि आपका लाइसेंस यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा और फिर पुलिस स्टेशन में जाओगे वहाँ पे करना और लाइसेंस लेकर आना वही अपने इंडिया में जो सीन होता है हैं और दूसरा तरीका था कि यहीं पे ही कर दो अपना पे तो भाई फिर दो लाख में बात हुई थी करते करते एक लाख में जो है हमने चलान भर दिया है अब सोचो भाई एक लाख का चलान भरना पड़ा है यहाँ में इंडिया के अराउंड चार सौ रुपये ही बने तो इतना बड़ा अमाउंट नहीं है बट तो फालतू का ही फटका लगा भाई इंश्योरेंस कंपनी वहाँ मिल जाती तो दिक्कत नहीं होती अब समझ नहीं आ रहा हमें तीन चार दिन रहना है एवी टेन में तो मैं तीन चार दिन के लिए इंश्योरेंस लूँ या ना लूँ मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ क्योंकि नहीं लिया और बॉर्डर पर फिर से पकड़ लिया तो फिर चालान भरना पड़ेगा तो उससे बेटर है फिर ले ही लेते हैं कम से कम सेफ्टी भी रहेगी और ये ना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होते हैं भाई हमारी गाड़ी ठूकेगी तो हमें कुछ नहीं मिलेगा लेकिन हम जिसको ठोक देंगे उसको इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी तो इसको थर्ड पार्टी कहते हैं हाँ चलो कोई बात नहीं थंबनेल टाइटल मिल गया है हाँ। लाहौस में पकड़ा पुलिस ने करा दो लाख का चलान ओ भाई और भाई इससे पहले जितने शहर थे वहाँ पे तो ट्रैफिक सिग्नल थे ही नहीं ना पुलिस होती थी यहाँ पे अब भाई कैपिटल सिटी आते ही अपना सिग्नल भी है मस्त लाइट्स भी है हर जगह और पुलिस वाले भी दिख रहे हैं जो चलान काट रहे हैं जगह जगह पे तो एक्सपीरियंस चलो ओवरऑल तो ठीक ही रहा इतना कुछ ऐसे हरासमेंट नहीं हुई यहाँ पे शुरू में तो मेरे को देख के लगा था बस उसको बहाना चाहिए भाई साहब को किसी तरह से पैसे हड़पने का कुछ भी तरीके से बट फिर बाद में ठीक बंदे थे मतलब प्यार से बात कर रहे थे ऐसे गुस्सा या अकड़ नहीं दिखा रहे थे और उनको इंग्लिश कम आती थी तो कोई उन्होंने अपने दोस्त या किसी ऑफिसर को कॉल लगाया तो उनको इंग्लिश आती थी फिर उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया तो वो तो मेरे को समझ आ ही गया था भाई कि इंश्योरेंस वो है एक्सपायर्ड है तो पहले मुझे लगा ये कह रहे हैं कि मुझे दो लाख यहीं पे दे दो मैं आपको इंश्योरेंस दे दूंगा तो मैंने ट्रांसलेट करके पूछा तो वो कह रहे हैं इंश्योरेंस नहीं है ये चला नहीं है आपका कि आपने चार दिन बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाई है ठीक है भाई ले लो अब एक लाख में मान गए वो ही अच्छी बात है फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट इंडियंस के लिए वरना यार इनको हम आर सी वो देते लाइसेंस और कहाँ पुलिस स्टेशन जाते धक्के खाते पूरा दिन बर्बाद करते उसे अच्छा यहीं दे दू के रफ़ा दफ़ा किया जी लो, आ गए हैं हम लेट्स गो ये है भाई, है भाई लिटिल इंडिया रेस्टोरेंट याद आपको जब मैं इंडिया गया था तब आया था यहाँ पर भाई खाना खाने खाना भी टेस्टी था तो मैंने कहा यहीं पे ही पेट पूजा कर ली जाए और अभी होटल भी बुकड नहीं है तो होटल भी लेना भाई जाके वैसे आस ही लेंगे अरे हेलो जी हेलो क्या हाल बढ़िया भाई कहां से पंजाब से हरियाणा कहाँ से पाड़ी 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 तो यहाँ क्या टूरिस्ट है? पे टूरिस्ट हो कितने दिन के लिए थर्टी डेज एक्सटेंड करवाओगे सही है सही है मजे कर रहे हो खाने के हैं इंडियन खाना कौन कौन से शहर गए हो यहाँ पे वीएनटेनी दुबई गए नहीं लुआंग प्रबांग जाना अच्छा है वो भी वीएनटेनी यहीं पे इसमें ही लाओस में ही है बढ़िया जगह है आप भी सब टूरिस्ट है सब टूरिस्ट हो हैं? अब ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया जाएगा आ जाओ तो एक दो चल लो जाओ बैठ जाओ एक दो आ जाओ आ रहा हूँ भारी आ रहा हूँ भारी आ चलो भाई चलो हाँ हाँ उतार भाई साहब हरियाणा के ही है सारे के सारे अपने चलो मिला भाई सब एक साथ ही आए हुए आप इतने लोग अच्छा जी अरे मस्ती चिल चिल बॉय चिल, चिल। मोदी के राज में <laughs> सही बात है राम मंदिर हो गया है नहीं हो गया राम मंदिर राम मंदिर तो तपरला लिया मम कनिष मलेरिया ने अपना लेवा <laughs> ना लेऊंगा कौन ले रहा है? फोटो कौन ले रहा ये भाई वो तो, तो वीडियो बना रहा है क्या फोन दे दो ना फोटो जिसके हां बिल्कुल आएगी फोटो के लिए दे दो फोन जिसने देना

ऐसा अब एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना तगड़ा मीटअप हो जाएगा हम दो चार लोग दिखे थे पहले तो अचानक से भाई पूरा का पूरा जुड़े एकदम पंद्रह बीस लोगों का तो चलो अच्छे से फ़ोटो वोटा ले लिए सबके साथ अब खाना ऑर्डर कर दिया बहुत तेज़ भूख लग रही है सुबह से खाली पेट है बिल्कुल लो जी लो अपना खाना आ गया है एक सब्जी दो रोटी चावल और साथ में सैलेड़ मजेदार ओ हो यहाँ की जो रोटी थी ना वो लुआंग प्रवांग से बेटर है भाई मतलब नान है ये बटर नान तो उनसे बेटर लगता है मुझे थोड़ा ना प्याज और दे देना सब लिया देखना कितनी बड्डी वड्डी हेलो, हेलो हेलो, कहाँ देख रही हो? पेट पूजा डन जी एक होटल भी देख लिया यहाँ से पांच मिनट की ड्राइव है तो बुक नहीं करा वहां जाके देखते हैं हेलो जी हेलो बढ़िया जी, भाई। 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 जी भाई। आप उन्हीं के साथ थे? बढ़िया कितने टोटल कितने लोग आए हो आप टोटल तो हाँ, 30 30 हाँ, 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 तो की थी और वहाँ पे थी फोर्टी थाउजेंड की लुवांग में तो थोड़ा सा महंगा है बट वैसे आप देखोगे इंटरनेशनल जो रेस्टोरेंट्स होते हैं इंडिया वाले उनके हिसाब से तो फिर भी सस्ता है भाई चार डॉलर में सब्जी मिल रही है और क्या चाहिए और वो भी इतनी क्वान्टिटी की दो बंदे आराम से खा ले लट्स गो जी गो चलते ओके okay, जी बाय बाय ये भाई पुराना डाउन टाउन वाला ही एरिया है एक देखो राइट में एर नज़ीम रेस्टोरेंट यहाँ भी इंडियन फूड मिलता है तो इसी एरिया में भाई चार पांच इंडियन रेस्टोरेंट है ताजमहल था और भी है तो आपको खाने की दिक्कत नहीं होगी यहाँ और घूम फिर भी पैदल वैदल सकते हो आराम से तो हम भी एक बार होटल लेके गाड़ी लगा के सेटल हो जाए फिर अगले दो तीन दिन आपको अच्छे से वी एन टेन ही घुमाएंगे क्योंकि यहीं रहना है हमने अब रहा सामने वीत फू रेस्टोरेंट यहीं कहीं होटल भी दिखा रहा है मिल गया जी होटल तो ये है जान छू होटल्स पर बट वही है भाई मेरे को लग रहा है नहीं है पार्किंग या होगी तो उधर होगी पता करनी पड़ेगा चलो एक बार देखें ये सामने तो है भाई पार्किंग ये पता नहीं होटल है कि क्या है इन्हीं से पूछे पहले इनके रूम अच्छे थे ये देखो भाई जिमनी खड़ी है यहाँ सुजुकी की छोटी वाली है थ्री डोर क्या मत लग रही है ना तो वो जो सामने होटल था उसकी तो पार्किंग वही बाहर ही है लेकिन उसके जस्ट सामने एक और होटल ही दिख रहा है ये शायद से होटल है सोहन गया पूछने ये देखो ये वाला तो लेट्स वो सामने वाला होटल तो बढ़िया भाई स्विमिंग पूल भी है उसमें और फोर्टी एट यू डॉलर पर नाइट मोटा मोटा आप लगा लो चार हजार रुपए के आसपास पर नाइट पड़ रहा है तो मेरे हिसाब से तो ठीक है बस पार्किंग का ही थोड़ा लफड़ा है लेट्स सी कुछ नहीं मिलता तो फिर वही ले लेंगे पार्किंग का देखे जाएगा यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है इनकी है, पार्किंग भी है पर पांच लाख रुपए पर नाइट इंडियन ना यहां के यहां के पांच लाख तो 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 सस्ता ही हुआ मैं कब बोल रहा हूं, पर रूम देखो ना कैसा है चलो ना आ जाओ गाड़ी लगा के चलो भाई गाड़ी लगाते है पार्किंग पे और रूम देख के आते है क्यूँकी पांच लाख का मतलब है भाई मोटा मोटा दो हजार रूपए ढाई हजार रूपए का रूम हो गया उस हिसाब से तो भाई सही है सामने वाला चार हजार का पड़ रहा है ये और सस्ता है और पार्किंग भी कवर्ड है बस रूम देख लेते हैं कैसा है ये देखो भाई कितना बड़ा पार्किंग एरिया इधर भी और उधर की साइड भी ये होटल है आओ रूम बस एवरेज भी होगा चलेगा कोई दिक्कत नहीं ऐसा हाई नहीं चाहिए दो हजार रुपये में मिल रहा है और क्या है भाई बढ़िया हाँ एकदम ये रूम है बाथरूम रहा और ये बेडरूम है दो बेड लगे हुए हैं अपना खिड़की है और मेरे को लग रहा है ये फ्रंट व्यू है या बैक व्यू है हाँ पार्किंग का ही व्यू है भाई यहाँ गाड़ी लगा देता हूँ गेट के साइड देखते भी रहेंगे ए सी वे है टी वी भी है ठीक है फिर तो पाँच लाख में ओके है ना ले लेते ही टोटल भाई चार रातों के लिए लेना है हमें ये क्योंकि आज का दिन तो खत्म ही हो गया ट्रैवलिंग में तीन दिन हमें चाहिए वेंटेन घूमने के लिए और तो फोर नाइट्स टोटल हो गए बीस लाख यानी कि इंडिया के एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज मोटा मोटा बताओ सही है फिर तो भाई उस हिसाब से एंड पार्किंग इज फ्री पार्किंग कार पार्किंग ट्रांसलेट करके दिखाना पड़ेगा ओके ओके ट्रांसलेट करना पड़ेगा भाई एक्सक्यूज मी पार्किंग इज फ्री राइट कार पार्किंग 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 तो ये देख लो भाई रेट लिखा हुआ है इन्होंने पांच लाख का है जिसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है बूफे वाला और डिपॉजिट भी लिखा हुआ है एक लाख का डिपॉजिट भी देना है भाई तो पाँच लाख इंटू चार बीस लाख दे दो भाई बीस लाख एक, एक लाख के बीस नोटोए हुए बीस लाख का होटल लिया भाई हमने चार रातों के लिए करोड़पति वाली फीलिंग आ रही है यहाँ आगे लाउस में ना सही में और ये इनका ऐसे कॉमन एरिया सिटिंग के लिए बैठ सकते हो एंड ये भाई यहाँ पे किचन है ये देखो जहाँ पे हमें ब्रेकफास्ट के लिए आना है सुबह सात बजे से दस बजे अब तो खैर गर्मी आया तो नींद खुल जाएगी तो आई जाएंगे भाई नींद खुलेगी तो फिर कोई नहीं सोए रहेंगे हमेशा की तरह ब्रेकफास्ट भेज जाएगा क्योंकि ब्रेकफास्ट ये फ्री दे रहे हैं हम ले ना ले उससे फर्क नहीं पड़ता मतलब फ्री है वो ओए होए हो करारे करारे एक एक लाख के नोट बीस लाख रुपए सोना आज तो मोटी पार्टी बन गए तुम क्या बात है मिरर देखो भाई साहब ओए होए होए क्या लग रहा हूँ मैं है? पंप या हैंडसम <laughs> गाडी हमने यहाँ लगा दी है सामान निकाल लेते हैं बट गाड़ी में से बस साथ में देखो थाई रेस्टोरेंट भी है जो ऑब्वियसली हम नहीं जा रहे क्योंकि हम तो थाईलैंड ही जा रहे हैं ना सीधा थाई रेस्टोरेंट था कर करेंगे है चलो जी चलो चेक इन कर लिया है लेट्स गो भ्रवा लेट्स गो चलो भाई हमने सोचा एक बार यहाँ की नाइट मार्केट घूम ही आते इंडियन रेस्टोरेंट के जस्ट सामने ही है रूम वूम में सबको सेटल तो कर ही दिया है एक डेढ़ घंटा वहां भी ता लेते है होटल रूम में भी क्या ही करेंगे पड़े हुए वैसे एक्चुअल बताऊं तो भाई मैंगो शेक पीने का मन है इस चक्कर में जा रहा हूँ वरना नहीं निकलता बाहर तो भाई देखो ये है यहाँ की नाइट मार्केट बहुत लंबी मार्केट है भाई ऐसी दुकानें लगी हुई है आप चलते जाओ चलते जाओ लंबे बहुत चप्पल जूते कपड़े टी शर्ट ये देखो सब मिल रहे हैं इधर देखोगे बच्चों के खिलौने विलोने भी है भाई ये देखो भाई ऊके ले ले लेके ले ले भी बिक रहे हैं यू केले होता है यू के ले ले पता नहीं जो भी कहते हैं भाई बट काफी सारे मिल रहे हैं हेलो बैग्स वगैरह भी है ओ, फोन के कवर है भाई ये देखना तो की लग रही है तो हर चीज की दुकान है और ये देखो वो आगे तक भाई चलते ही जाओ आप मतलब इतनी तरह की चीजें हैं लेफ्ट में थोड़ा बहुत खाने पीने की भी है तो चलो एक मैंगो शेक घटक लेते हैं जरा जल्दी से हेलो टू मैंगो शेक मैंगो शेक में ना इन्होंने ये चीनी का पानी सा बना रखा होता है ये मिक्स करते है और वो जो बोटल है ना इसमें भाई दूध और कैरमेल है शायद से तो ये सब मिलाते हैं दूध वैसे वाला नहीं है थैली वाला भाई हाउ मच फॉर टू फोर्टी थाउजेंड दे दो भाई चालीस हज़ार वही हर जगह सेम ही रेट है भाई बीस हज़ार पर गिलास किसी किसी जगह पंद्रह हज़ार भी मिलता है सस्ता हो तो वैसे बीस हजार ही देखा मैंने ज़्यादातर तो, तो ये सारे शेक है भाई इनके बाद पपीता का ड्रैगन फ्रूट का सेब का पर इनका गिलास मुझे थोड़ा सा ना पतला लग रहा है बीस हजार में दे दो टेस्ट होना चाहिए बस भाई साहब ये तो पूरी मार्केट में कपड़े ही कपड़े फैले हुए हैं जूते चप्पल की भी दुकानें हैं बट बहुत कम है और चप्पल मतलब चप्पल कह रहा हूँ कपड़े ही कपड़े भाई और इतनी गर्मी में ये जैकेटे हुए शर्ट ये क्यों बेच रहे हैं यहाँ तो सर्दियों में भी तीस पैंतीस डिग्री होता है तो कौन पहनता है यहाँ जैकेट एंड मार्केट भी एक्चुअल में बहुत बड़ी है भाई मतलब हमें मेरे ख्याल से सौ डेढ़ मीटर तो हो गए होंगे चलते चलते और भी अभी आगे तक देख रही है वो देखो भाई एंड तक है मार्केट होगी मेरे हिसाब से सौ दो से ऊपर दुकानें करेक्ट तो नहीं पता बट है अच्छी खासी है और तो टी शर्ट जूते चश्मे घड़िया सारी भाई फर्स्ट कॉपी मिल रही है यहाँ पे ओरिजिनल की तो उम्मीद मत रखना जो पचास पचास हज़ार वाली चीज़ है वो तीन सौ चार सौ रुपये में मिल जाएगी आपको यहाँ पे नाम वाम सब सेम लिखा होगा बस ओरिजिनल नहीं होगी ये देख लो भाई गुच्ची की स्वेट शर्ट <laughs> उसमें तो नाम भी गलत लिखा होता था गुच्ची की स्पेलिंग गलत है बच्चों के कपड़े की भी काफ़ी वैरायटी है हर साइज़ के यहाँ से भाई शुरू हो गई है फूड की नाइट मार्केट तो सारे फूड के स्टॉल्स मिल जाएंगे आपको वेज नॉन वेज वेज तो मतलब कम ही ऑप्शन होते हैं नॉन वेज ही ज्यादा मिलते हैं हर जगह और ड्रिंक्स काफी मिल जाएगी आपको ये मतलब मैंगो शेक हो गया कोकोनट वाटर हो गया इस तरह का सब कुछ भाई साहब यहाँ तो चलने में इतनी अजीब सी बदबू आ रही है लोग खा कैसे लेते हैं पता नहीं मतलब कुछ कुछ चीज है पोक वगैरह इतनी बदबू आ रही है चलो जी वी एन की नाइट मार्केट थी जो फेमस वो तो हमने घूम ली बाकी इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं जी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में टेल एंड गुड बाय ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका पीका